मैं आपके सामने नवा जो वीडियो लेकर आ रहा हूं संख्या पद्धति का है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन हल कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। संख्या पद्धति का टाइप नंबर 9 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ, एक से ही एक बटे हुए दो प्लस 11 से ही एक बटे हुए दो प्लस 111 से ही एक बटे हुए दो प्लस 1011 से ही एक बटे हुए दो। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हल करने के लिए आपको सबसे पहले चीज देखना होगा, एक बटे हुए दो, यहां पर भी एक बटे हुए दो, यहां पर भी एक बटे हुए दो और यहां पर भी एक बटे हुए दो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटे हुए दो को अपन कॉमन निकालेंगे। तो यहां मैंने एक बटे हुए दो को बाहर निकाला। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि एक दो तीन और ये चार बार आ रहा है, इसलिए यहां पर चार भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा और इसमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबके मध्य प्लस का चिन्ह है। आपको लिखना पड़ेगा एक, या लिखना पड़ेगा 11, या लिखना पड़ेगा 111 और या लिखना पड़ेगा 1011। ठीक है दोस्तों, इन सभी का अपन सम करेंगे। यहां पर देखना दोस्तों, इसको काटेंगे, दो से काटेंगे, दो दोनों चार, तो दो प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1234। 1234 में अपन दो जोड़ेंगे तो 1234 प्लस दो बराबर हो जाएगा 1236। तो दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं, हमेशा आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, तेजी से हल करने के चक्कर में कॉमन तो निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गुणा में कर देते हैं इसको। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ देखिए बच्चे जो गलती करते हैं, बच्चे डायरेक्ट एक बटे हुए दो और 1234 ये लिखते हैं, तो वहाँ उनके मिस्टेक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी इस पैटर्न से नहीं हल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में चल रहा है और प्लस का चिन्ह चल रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, एक बटे दो को बाहर निकालेंगे और जितनी बार संख्या आ रही है एक दो तीन चार, तो यहाँ चार लिखेंगे, काटेंगे, दो से काटेंगे दो बार, सबको काउंट करेंगे 1234, 1234 में दो जोड़ेंगे 1236 आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने जो 10वां क्वेश्चन नजर आ रहा है वो आपके सामने क्या दे रखा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। एक से ही एक गुणा दो प्लस एक बटे हुए दो गुणा तीन प्लस एक बटे हुए तीन गुणा चार और ये आगे चल रहा है रेगुलरली एक बटे हुए 99 गुणा 100। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को तेजी से हल करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले पहली संख्या कौन आ रही है, एक बटे हुए एक आ रहा है, और यहाँ से देखना होगा अंतिम संख्या क्या नजर आ रही है आपके पास, एक बटे हुए 100 नजर आ रही है। तो आपको हल करना होगा एक बटे हुए एक माइनस एक बटे हुए 100 करना होगा, फिर दोनों का लघुतम लेंगे, लघुतम लेने पर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, याद करा रहा हूं वापस, करना क्या होगा, अगर आपको ये पैटर्न नजर आता है, इस पैटर्न की पकड़ क्या, यहां देखना एक गुणा दो और यहां पर दो और यहां पर दो, ये दोनों संख्या समान होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए यहां पर ये तीन और तीन, ये दोनों संख्या समान होगी, प्लस का चिन्ह सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे पैटर्न में बीच में आने वाली संख्या सभी कट जाती है और पहली और अंतिम संख्या, तो पहली संख्या एक बटे हुए एक और अंतिम संख्या एक बटे हुए 100 मेरे पास बचता है। तो मैंने लिखा एक बटे हुए एक माइनस एक बटे हुए 100, दोनों का लघुतम ले लेंगे 100 आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 100 माइनस का एक, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 99 बटे हुए 100 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैंने आपको तेजी से हल करना तो बता दिया कि इसका 99 बटे हुए 100 आंसर कैसे आएगा, लेकिन बहुत से ऐसे साथी होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि 99 बटे हुए 100 इसको किस प्रकार और कैसे लिखा, तो वो मैं आपको पूरा कंसेप्टली हल करके समझा रहा हूं। तो दोस्तों देखना मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक बटे हुए एक माइनस का एक बटे हुए दो लिखूंगा, इसी प्रकार प्लस का चिन्ह, अब इसको मैं लिखूंगा दोस्तों एक बटे हुए दो माइनस का एक बटे हुए तीन। क्यों लिखूंगा, क्योंकि सबके ऊपर एक नजर आ रहा, सबका मालिक एक है, ये पैटर्न हो गया अपना, तीन में से दो घटाने पर एक आ रहा है, दो में से एक घटाने पर भी एक आ रहा है, इसलिए इसको इस पैटर्न में लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा एक बटे हुए तीन माइनस का एक बटे हुए चार और ये कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक बटे हुए 99 अपॉन एक बटे हुए 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस और ये माइनस, फिर प्लस माइनस, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पहली संख्या और अंतिम संख्या बचेगी। तो मैं लिखूंगा एक बटे हुए एक माइनस का एक बटे हुए 100, दोनों का लघुतम आ जाएगा अपने पास 100 माइनस का एक करेंगे, 99 बटे हुए 100 हो जाएगा, तो इसका जो जवाब होगा वो 99 बटे हुए 100 होगा। दोस्तों हमारे साथ बनिए रहिए, हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आप
तक सॉरी आपने अभी तक भी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैं आपके सामने दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जो 11वां और 12वां क्वेश्चन होगा।